मैं हिना खान, ज़िला बुलंदशहर, कस्बा सियाना की रहने वाली वो बेबस और मजबूर लड़की हूँ, जो आज जीने के लिए दर बदर ठोकरें खा रही, जो जीने के लिए इतनी मजबूर है कि मैं मरना नहीं चाहती। मैं हर पुलिस के पास जा चुकी हूँ, मेरी शादी हसनपुर में हुई है और मेरे ससुराल वाले, मेरा पति, मेरा नंदोई, मेरी सास, मेरी ननद, मेरा देवर, वो इतने जालिम हैं कि आज मैं मजबूर होकर अपनी ये वीडियो बना के आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि शायद मुझे इंसाफ दिला दें। मैं आयशा की तरह जान नहीं देना चाहती। अगर इस देश के मंत्री जी, हमारे माननीय मंत्री जी, मुझे इन सब के नाम नहीं पता, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, सब राहुल गांधी जी, अकेले सब लोग कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं इनसे कहती हूँ मंत्री जी, हमारे जैसी बेटियों को बचा के दिखाओ। हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे ससुराल वाले हमें इस तरह मारते रहेंगे। मैं 6 महीने से दर बदर की ठोकरें खा खा के थक गई हूँ। हर पुलिस थाने जा चुकी हूँ, हर जगह थाने आता सब जगह जा चुकी हूँ। मेरा कसूर इतना है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे होते तो ना ससुराल वालों का टॉर्चर होता और ना पुलिसों में मैं यूँ धक्के खाती फिर रही होती। हर किसी को चाहिए पैसे, जिनको पैसे दे रहे हैं उनका काम हो रहा है, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मैं इन मीडिया वालों से चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे कहती हूँ, अगर सब कोई जो ईमान वाले हैं, जो नहीं बिकते, वो मेरी जैसी गरीब आयशा और हिना की मदद कर दो, मुझे इंसाफ दिला दो। मोदी जी, योगी जी, आप बहुत कहते हो ना बेटियों बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे बचाओ मोदी जी, मुझे बताओ योगी जी, मैं मरना नहीं चाहती, मैं भी जीना चाहती हूँ। क्या कोई नहीं है जो मुझे इंसाफ दिला सके? अब 6 महीने से मैं हर जगह जा चुकी हूँ, जहाँ जाती हूँ वो सब पैसे मांगते हैं, खर्चा पानी मांगते हैं, मेरा तो घर भी किराए का है, अपने घर का किराया नहीं दे पा रही हूँ, तो इन लोगों का खर्चा पानी कहाँ से दूँ? मेरी मदद करिए कोई, मैं दूसरी आयशा नहीं बनना चाहती, मैं आयशा की तरह मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ। मैं मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ, मैं उन सब के नाम नहीं जानती, लेकिन मैं सारे मीडिया वालों से कहना चाहती हूँ, मुझ पर रहम करें, मुझे इंसाफ दिला दें, मैं जीना चाहती हूँ। बस मेरा इतना ही कसूर है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने ससुराल वालों का और ज़्यादा जेद या उनके साथ जो वो चाहते हैं वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ मेरा, मुझे कोई इंसाफ दिला दो, मुझे जीने दो, मैं जीना चाहती हूँ मंत्री जी, मैं मरना नहीं चाहती, मेरी मदद कर दो, कोई तो आ गया हो मेरी मदद करने के लिए। आज मैं ये वीडियो नेट पे डाल के देखती हूँ कौन कौन है इस दुनिया में इतना रहम दिल जो मेरी मदद कर सके। अगर किसी के दिल में मेरे लिए रहम है तो खुदा के लिए मुझ पर रहम करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मंत्री जी तक पहुंचा दीजिए, ताकि मुझे इंसाफ मिल सके। क्योंकि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो आज तो ये वीडियो मैं इंसाफ मांगने के लिए बना रही हूँ, कल जब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा ना, तो मैं मरते वक्त जैसे आयशा ने बनाई थी ना, एक और वीडियो बनाऊँगी और आप सब जो लोग देखोगे सब मेरी मौत के जिम्मेदार होगी। खुदा के लिए मेरी मदद कर दीजिए, मेरी वीडियो किसी भी तरह से मीडिया वालों और मंत्री जी तक पहुंचा दीजिए और मुझे 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 जीने दीजिए, मेरी मदद कर दो, मैं जीना चाहती हूँ। मेरे ससुराल वाले मुझे मार देंगे, वो धमकियाँ तक दे रहे हैं और हर जगह जहाँ जाती हूँ वो पैसे दिए जा रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब हूँ। अगर गरीब ना होती तो ये वीडियो ना बनाती, आप सबसे मदद ना मांगती, मेरी मदद कर देना। अगर किसी को मुझ पर रहम आए, मेरी जैसी एक और आयशा, एक और हिना को मरने से बचा लीजिए। आपको मेरी हमेशा दुआएं लगेंगी, मेरी बूढ़ी माँ की भी दुआएं लगेंगी, जो बस मेरा एक अकेला सहारा मेरी माँ और मैं है। प्लीज़ मेरी मदद कर दें मंत्री जी, तक ये वीडियो बचा दें, मुझे बचा लें, मुझे इंसाफ दिला दें, मैं थक गई हूँ, मैं अपनी जान ले बने पर मजबूर हो गई, मुझे बचा लीजिए। खुदा के लिए, खुदा के नेक बंदों में मुझ पर रहम कर दीजिए, मेरी मदद कर दीजिए।